हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। अंजलि किचन में सभी का स्वागत है। आज का रेसिपी है ग्वार फली आलू मिक्स। रसेदार सब्जी बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। इसे रोटी के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हो। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब हम बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले 1 kg ग्वार फली, 7 छोटे साइज का आलू ले ली है, 3 टमाटर का पेस्ट बना लेंगे और इसमें मिक्स करने के लिए 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 प्याज को लंबाई शेप में कट कर ली है और टमाटर को पेस्ट बना ली है। अब बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले ली है। सभी ग्वार फली को धो करके प्रेशर कुकर में डाल देंगे और आलू को छील करके डाल देंगे और 1 सीटी आने तक इसे उबाल कर लेंगे। 1 ग्लास पानी डाल देंगे और कवर लगा करके प्रेशर कुकर का इंडक्शन स्टोव पे हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक इसे उबाल कर लें। अब 1 सीटी प्रेशर कुकर में आ गई है तो इसे इंडक्शन स्टोव को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब प्रेशर कुकर ठंडा हो गई है तो यहाँ पे खोलकर एक बार चेक कर लेंगे। ग्वार फली बहुत अच्छी तरीके से उबाल हो गई है तो 1 छलनी में इसे छान लेंगे सभी पानी से और आलू ग्वार फली को ठंडा होने देंगे। 10 मिनट तक ठंडा कर ली है। अब 1 ग्वार फली को आगे और पीछे से रेसे निकाल लें और बीच से 2 भाग कर लें। ग्वार फली के 2 भाग कर ली है। उबाले हुए आलू को भी, 1 आलू को 2 भाग कर लेंगे। अब ग्वार फली के सब्जी बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले इंडक्शन स्टोव पे 1 कढ़ाई को हाई गर्म कर लेंगे। इसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल हाई गर्म कर लेंगे। उसके बाद 1 पिंच हींग, 1 चम्मच पचफोरन, हरी मिर्च और इसे सुनहरे होने तक हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज भून गई है तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए भून लेंगे। चलाते हुए भून ली है तो अब यहाँ पे प्याज कटी हुई डाल देंगे और इसे चलाते हुए सुनहरे होने तक 7 मिनट तक भून लें हाई फ्लेम पे ही। ग्वार फली हम उबाल कर इसलिए बनाते हैं ताकि उसके रेसे वगैरह अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। कच्चे ग्वार फली को अगर आप बना रहे हो तो उतनी अच्छी तरीके से रेसे नहीं निकलते, तो इसीलिए ग्वार फली को उबाल कर ही बनाएं। तो प्याज अब भूंज गई है तो यहाँ पे 1 चम्मच बेसन का यूज की है तो बेसन डालकर तेल में अच्छी तरीके से भूंज लें सुनहरे होने तक, ताकि कच्चेपन बेसन के निकल गई है। तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और बेसन टमाटर के पेस्ट को मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून ली है। अब सूखे मसाले को ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा मरीच के मिक्स पाउडर, सब्जी मसाले पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़े चम्मच डालें और मसाले के साथ टमाटर पेस्ट और बेसन को अच्छी तरीके से भूंज लें। आंच को लो फ्लेम कर दें। लो फ्लेम पे ही मसाले को 10 मिनट तक भूंज लें ताकि मसाले अच्छी तरीके से भून जाए। अगर अंदर कढ़ाई में चिपक रही है तो वहाँ पे 1/2 कप पानी का यूज करें। तो पानी का यूज कर लिए और अब मसाले को और अच्छी तरीके से भूंजेंगे। अब तेल अलग होने लगी है मसाले से अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे उबाले हुए ग्वार फली और आलू डाल देंगे और मसाले के साथ इसे भी 10 मिनट तक चलाते हुए भूंज लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही भूंजें। मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 10 मिनट तक भूंज लेंगे ताकि अंदर चिपके नहीं। अब ग्वार फली आलू का सब्जी भूज गई है तो यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल देंगे।
ताकि मसाले के साथ ग्वारफली अच्छी तरीके से उबाल हो जाए। अब इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद फिर से कवर हटा करके इसे चला देंगे ताकि अंदर चिपके नहीं। अब फ्लेम को हाई कर देंगे। ग्वारफली का सब्जी बनके तैयार हो गई है, तो इंडक्शन स्टोव को बंद करेंगे। इसमें अब धनिया की पत्ता डाल दें, मेरे पास नहीं था तो हम नहीं डालें। अब ग्वारफली आलू का सब्जी बनके तैयार हो गई है। ग्वारफली आलू के सब्जी बनाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो बेल आइकन दबा देना। वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप मेरे साथ वीडियो में इसी तरह से बने रहें, आपके लिए नए रेसिपी लाते रहेंगे।